Good morning, dear student. I am your English teacher. And dear student, today we in 6th class and we study our English book. Let's see what is our today's chapter. Dear student, today's our work is who did Pratik's homework. बच्चों ये जो chapter था ये हमने पिछली videos में अच्छे से study कर लिया था, यानी कि प्रतीक का homework किसने किया था. तो ये एक chapter था जिसके अंदर एक बच्चा होता है प्रतीक, उसको homework करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. तो एक दिन क्या होता है, वो अपनी जो उसकी जो केट होती है उसको एक छोटे से डॉल से खेलता हुआ पाता है. वो देखता है कि उसकी केट जो एक छोटे से डॉल से प्ले कर रही है. तो पास जाके देखता है तो एक्चुअल में क्या होता है, एक एल्फ होता है, यानी छोटा बोना आदमी होता है. लेकिन वो आदमी जो होता है वो क्या बोलता है उसको, प्रतीक को, कि मुझे इस केट से बचाओ और बदले में जो तुम चाहो मैं करूँगा. तो ये उसकी हेल्प कर देता है और बदले में क्या होता है, वो प्रतीक का सारा होमवर्क कर देता है. फिर एट लास्ट क्या होता है, अब अपन ने पूरी स्टोरी पढ़ी है तो स्टोरी में क्या था कि वो जो एल्फ होता है छोटा बोना आदमी वही उनका सारा काम कर रहा होता है. लेकिन बाद में लास्ट में क्या होता है, एक्चुअल में कोई एल्फ नहीं होता है, प्रतीक खुद ही कमरे में बंद होकर अपना सारा काम कर रहा होता है. तो यही हमारा चैप्टर था. इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो लेट्स सी व्हाट इज अवर क्वेश्चन आंसर. डियर स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे. देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन के आंसर देने. देखिए, व्हाट डिड प्रतीक थिंक His cat was playing with, what was it really? प्रतीक ने क्या सोचा था कि उसकी केट जो वो किसके साथ प्ले कर रही है और वो वास्तव में क्या था. देखिए, प्रतीक थॉट हिज केट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, इन फैक्ट इट वॉज एन एल्फ. प्रतीक सोच रहा था कि उसकी जो केट थी वो किसके साथ प्ले कर रही है, वो एक छोटी सी डॉल के साथ में प्ले कर रही है. लेकिन एक्चुअल में वो था क्या, वो एक्चुअल में एक छोटा बोना आदमी था जिसको एल्फ कहा जाता है. आगे हैं, वाई डिड दी लिटिल मैन ग्रांट प्रतीक्स ए विश. उस छोटे बोने आदमी ने, एल्फ ने, प्रतीक की विश जो थी उसकी पूरी करने क्यों पूरी कर दी. देखिए, द लिटिल मैन ग्रांटेड प्रतीक्स ए विश ऑन द कंडीशन दैट ही वुड सेव हिम फ्रॉम द केट. उस छोटे आदमी ने प्रतीक की विश जो थी वो पूरी करने को ग्रांट करने के लिए इसलिए प्रॉमिस किया था ताकि इस कंडीशन में, इस शर्त में उसने प्रतीक की विश पूरी करी थी ताकि वो उस केट से उसको बचा सके, यानी एल्फ को केट से बचा देगा प्रतीक, तो वो प्रतीक की विश को पूरी कर देगा. आगे हैं, व्हाट वाज प्रतीक्स विश, प्रतीक की विश क्या थी, इच्छा क्या थी. प्रतीक वांटेड दैट द एल्फ शुड डू ऑल इज होमवर्क टिल द एंड ऑफ दैट सेमेस्टर. प्रतीक की ये इच्छा थी, इसकी विश थी कि जो एल्फ था वो उसका सारा होमवर्क कंप्लीट करे. कब तक, जब तक सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता, सेमेस्टर के जो डेज थे वो कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक वो सारा होमवर्क करेगा. आगे हैं, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू प्रतीक्स होमवर्क. प्रतीक का होमवर्क करने के लिए एल्फ को किस सब्जेक्ट में हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी. द लिटिल मैन नीडेड प्रतीक्स हेल्प इन इंग्लिश मैथ्स एंड हिस्ट्री. प्रतीक की हेल्प उस छोटे आदमी को इस कौन से सब्जेक्ट में पड़ती थी, तो प्रतीक की जरूरत उसको होती थी मैथ्स में, इंग्लिश में और हिस्ट्री में. आगे देखिए, हाउ डिड प्रतीक हेल्प, प्रतीक ने उनको किस प्रकार से मदद करी. प्रतीक हेल्प्ड द लिटिल मैन बाय रीडिंग एंड प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, टेलिंग टेबल्स, हेल्पिंग विद सम्स एंड प्रोवाइडिंग बुक्स. प्रतीक ने उस छोटे एल्फ को मदद करी थी, कैसे, उसको प्रनंश वर्ड्स को रीड कैसे करना है, उनका प्रोनंसिएशन कैसा होना है, टेबल सुना सुना के, और जो सम्स होते मैथ्स के, जो इक्वेशंस होते, क्वेश्चंस होते, उनको सॉल्व करके, उनको हेल्प करके, और साथ ही उनको इस प्रकार की बुक्स प्रोवाइड करवाई ताकि वो अपनी सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर सके. हु डू यू थिंक डिड प्रतीक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और प्रतीक हिमसेल्फ गिव रीजन फॉर योर आंसर. आपको क्या लगता है कि प्रतीक का होमवर्क कौन करता था, क्या छोटा आदमी एल्फ या फिर प्रतीक खुद ही अपना होमवर्क करता था. यदि आपका आंसर है तो उसका रीजन दो. देखिए, इट वॉज प्रतीक हु हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क. ये हमारे अकॉर्डिंग टू हमारा आंसर क्या होगा, ये प्रतीक खुद ही था जो अपना होमवर्क खुद कर रहा था. द लिटिल मैन हु रोट द आंसर वॉज एन इमेजिनेशन वाइल प्रतीक हिमसेल्फ टोल्ड हिम वॉट टू राइट. जो लिटिल मैन था, छोटा आदमी था, वो लिखता था, आंसर लिखता था, वो क्या था, प्रतीक की इमेजिनेशन थी, प्रतीक की कल्पना थी, जिसमें जिसके दौरान क्या होता था, प्रतीक खुद ही बताता था, बोलता था और खुद ही लिखता था. जब लिखता था तो उसको, उसने इमेजिन किया कि मेरे क्वेश्चन जो है वो कोई दूसरा लिख रहा है. तो जब बोलता था तो वो अपने आप को प्रेजेंट करता था, यानी प्रतीक के द्वारा बोला जाता था
और एल्फ के द्वारा लिखा जाता था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता था, प्रतीक ही लिख रहा होता था, प्रतीक ही बोल रहा होता था। इन फैक्ट दैट वॉज प्रतीक हिमसेल्फ हु वाज टेलिंग व्हाट टू राइट। वास्तव में क्या था, ये प्रतीक खुद ही था जो अपना वर्क जो था वो लिख रहा था और बोली जा रहा था। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। अब देखिए, वर्किंग विद लैंग्वेज, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। यू मे नॉट नो द मीनिंग ऑल ऑफ ऑल द वर्ड्स, लुक सच वर्ड्स अप इन डिक्शनरी और आस्क योर टीचर। आपको यहाँ एक क्या दिया हुआ, बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में कुछ स्पेलिंग्स दी गई हैं और इन स्पेलिंग्स की हेल्प से हमें क्या करना, हमारा जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करना, साथ ही हमें इनका मीन भी देखना है। तो देखिए देखिए बच्चों, मैं पहले इन जो वर्ड्स हैं उनका मीन आपको बता देती हूँ। आउट ऑफ लक यानी भाग्य से, मिस्ट्री यानी राज, ट्रू टू हिज वर्ड्स अपने शब्दों का सच्चा, चौरस यानी काम, सेमेस्टर होता है एक टाइम पीरियड होता है स्टडी का जिसे सेमेस्टर कहा जाता है, बिटवीन यू एंड मी मेरे और आपके बीच में, लुकअप देखो। तो ये तो आपके वर्ड्स के मीन थे। अब इन्हीं वर्ड्स को हम फील करेंगे। देखिए, सम पीपल फाइंड हाउस ऑल डेज ए बोर बट आई लाइक हेल्प टू एट होम। कुछ लोग जो है वो अपने जो हाउस होल्ड होते हैं उनसे बोर हो जाते हैं, बट मुझे क्या है अच्छा लगता है उनकी हेल्प करना। अब हाउस होल्ड के क्या होते हैं बच्चों, हाउस होल्ड के चौरस यानी काम होते हैं, तो हम लिखेंगे चौरस, CHORES चौरस। देखिए नेक्स्ट, हु स्टॉल द डायमंड इज स्टील एट डिश, किसने जो है डायमंड को चुराया था वो अभी भी क्या बना हुआ है, अभी भी मिस्ट्री बनी हुई, राज बना हुआ है। तो MISTERY अभी भी राज बना हुआ है कि किसने डायमंड को चुराया, किसी को अभी भी पता नहीं चला है। आगे, दिस डेज वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन, ये वो जगह है जहाँ हम क्या क्लास की एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों, वो होता है सेमेस्टर, दिस सेमेस्टर यानी इस सेमेस्टर में हम क्लास एग्जीबिशन में जाने वाले हैं, जा रहे हैं। आगे हैं, डेज द एल्फ बिगन टू हेल्प प्रतीक, क्या किया था कि ट्रूथ टू हिज वर्ड, वो अपने शब्दों का सच्चा था तो उसने जो कहा था उसने उसके हेल्प करने के लिए यानी प्रतीक की हेल्प करने के लिए कहा था, तो अपने शब्दों का सच्चा था और उसने उसकी हेल्प करी भी। आगे हैं, कैन यू डेज द वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या तुम ये देख सकते हो डिक्शनरी में, तो क्या देखना है लुकअप, क्या तुम देख सकते हो। आगे हैं, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी एंड ऑन टाइम बट आई वॉज डेज देयर वॉज ए ट्रैफिक जाम, मैं हमेशा ही क्या होता हूँ, मैं जल्दी निकलता हूँ, जल्दी करता हूँ हर चीज़ की, लेकिन ये मेरा क्या है आउट ऑफ लक, ये मेरी किस्मत से बाहर है या मेरी बदकिस्मती है कि मैं किस में फंस जाता हूँ, ट्रैफिक जाम में फंस जाता हूँ। लास्ट देखिए, सी से शी इज गॉट ए लॉट ऑफ बुक्स बट डेश आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, उसने कहा कि मैं बहुत सारी बुक्स जो है मैंने मिली मुझे है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर उसमें क्या है मुझे बोर करने वाली है, बिटवीन आप में और मेरे बीच में ज़्यादातर क्या है वो बुक्स मुझे क्या करती है बोर करती, यू एंड मी। ये मैं नेक्स्ट यहाँ लिखे हैं। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर, एक बार वापस से देखिए क्वेश्चन आंसर। तो आपको क्या करना है, ये जो आपके क्वेश्चन आंसर है उनको आपको राइट करना है, आपको अपने क्वेश्चन आंसर को राइट करना है, साथ ही आपकी वर्किंग विद लैंग्वेज ये वाला पोर्शन भी आपको अच्छे से राइट करना है, साथ ही आपको लर्न करना है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, कमेंट में आपको अपना नाम लिखना है और अपनी क्लास लिखनी है और आपका जो कन्फ्यूजन है आपका जो क्वेश्चन वो आप राइट कर सकते हो और अपना क्वेश्चन का जो है आप सॉल्यूशन मिल सकता है आपको। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है। डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।